नौकिया था कल राह निहार के साथ पूरा जई तू माई हो तनिया जई तू माई हो तनिया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विक्की की टेक्निक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पर कुछ इस प्रकार का एक स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद आप लोग भी सेम टू सेम प्रीव्यू के जैसा ही एक नवरात्रि स्पेशल व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिट करना सीख जाओगे। चलिए जान अपनी वीडियो को यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रीव्यू के जैसा स्टेटस वीडियो एडिट करने के लिए आपको VN ऐप का जरूरत पड़ेगा। VN ऐप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके बाद ओपन करना, आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। प्लस के आइकन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है एंड यहां से आप लोग न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहां से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, फोटो के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है एंड यहां से आप लोगों को माता रानी का कुछ इस प्रकार का इमेजेस ऐड कर लेना है। एक इमेज आप लोग ऐड कर लेना, अगर आपके पास इमेजेस नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ऑल मटेरियल भी इसमें जो यूज होगा सभी का डाउनलोड फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहां से फोटो को ऐड कर लेंगे, आप लोग भी ऐड कर लेना एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद आपका ये VN ऐप के अंदर आ जाएगा। ऊपर साइड में ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड साइज को यहाँ से आप लोग 9x16 कर लेना, देन एक बार स्क्रीन पर टाइप कर देना। अब आपको वीडियो के लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर एक वाटरमार्क होगा, इस वाटरमार्क का हमें कोई काम नहीं रहता तो यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के बाद अपनी इमेज पर क्लिक करेंगे। इमेज का ड्यूरेशन आप लोग को बढ़ा लेना है जितना देर का आप व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं 13-14 सेकंड का वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं 13-14 सेकंड बढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ से बढ़ा लेना। देन एक बार स्क्रीन पर टैप करके वीडियो के फर्स्ट में आ जाना। अब फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आप लोग अपनी फोटो पर एक बार क्लिक करना एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा बीजी का, तो इस पर आप लोग क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद इमेज वाले ऑप्शन पर जाना, देन यहाँ से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपको अपनी इमेज को यहाँ से पकड़ना है एंड कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको नीचे साइड में स्क्रॉल कर देना कुछ इस तरीके से। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ से बीजी के ऑप्शन पर आप लोग दोबारा से क्लिक करना। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग ब्लर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जितना ज़्यादा जितना कम आप ब्लर रखना चाहते हैं यहाँ से आप लोग एडजस्ट करके रख लेना एंड रखने के बाद यहाँ से आप लोग राइट के ऑप्शन पर टैप कर देना। देन इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना है, तो इसको पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर मैं पिन कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर ऐड करना है तो प्लस वाले आइकन पर जाइए, वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर जाइए, आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन पर जाकर आप लोग ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पर फिल का, तो इस पर आप लोग क्लिक करना एंड इसको फुल स्क्रीन में कर देना। अब आपको नीचे साइड में थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन आपको दिखेगा क्रोमा का, तो इस पर भी आप लोग क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से इस प्लस वाले आइकन को उठाकर आप लोगों को यहाँ पर ब्लू पर ऐड कर देना है एंड इंटेंसिटी को यहाँ से आपको बढ़ा लेना है, 50 कर लेना, देन राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपको इतना हो जाने के बाद इस वाली वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। सेव करने के लिए यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना ऊपर साइड में एंड एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाली वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना। सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो यहाँ पर आप लोगों को वेट कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से हमारा वीडियो कंप्लीट एक्सपोर्ट हो गया है। अब डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड यहीं से आप लोग दोबारा से प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना, आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी, फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना एंड आपने जो फर्स्ट बार में फोटो को ऐड किया था वही फोटो आप लोग दोबारा से ऐड कर लेना। देन यहाँ पर नीचे साइड में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब फोटो को ऐड होने के बाद वही काम आपको प्रोसेस दोबारा से करना है, ओरिजिनल के ऑप्शन पर क्लिक करना, साइज को 9x16 कर लेना, देन एक बार पर टाइप कर देना। अब आपको वीडियो के लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर आप लोगों को एक वाटरमार्क दिखेगा, इस वाटरमार्क का हमें कोई काम नहीं रहता है तो यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अपनी इमेज पर क्लिक करेंगे एंड इमेज का ड्यूरेशन आप लोग बढ़ा लेना, जितना आपने पहली बार में बढ़ाया था उतना आपको यहाँ से बढ़ा लेना है। देन एक बार स्क्रीन पर टाइप करके वीडियो के फर्स्ट में आना है। अब आपको अपना वो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो यहाँ पर ऐड करना है जो थोड़ी देर पहले आपने एक्सपोर्ट करके अपनी गैलरी में सेव किया था, तो उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे, वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी, वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग इस वाली वीडियो को ऐड कर लेना। अब आपको नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है, एक ऑप्शन आपको फिल के दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करना एंड यहाँ से इसको फुल स्क्रीन में कर लेना। अब आपको नीचे साइड में थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देना है, एक ऑप्शन आपको क्रोमा का दिख जाएगा, तो इस पर भी आप लोग क्लिक करना एंड इस प्लस वाले आइकन को उठाकर यहाँ पर आप लोग इसको ग्रीन पर ऐड कर देना एंड यहाँ से इंटेंसिटी को आप लोग बढ़ा लेना है, 15 कर लेना है। देन यहाँ से आप लोग एक बार डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका क्रोमा की बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो अब आपको अपने नीचे वाली फोटो पर एक बार क्लिक करना है एंड अपने दोनों
फिंगर की मदद से कुछ इस प्रकार के फोटो को आप लोग यहाँ से छोटा कर लेना। छोटा करके यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर देना नीचे ऊपर करके। अब देख सकते हो फोटो हमारा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से एडजस्टमेंट हो गया है। अब यहाँ पर आप लोग को सॉन्ग को ऐड कर लेना है, तो सॉन्ग को पहले डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर मैं पिन कर दिया हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद सॉन्ग को ऐड करना है, तो यहाँ पर आप लोग टैप टू ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना ऊपर साइड में। इसके बाद यहाँ पर म्यूजिक के ऑप्शन पर जाना एंड यहाँ पर आप लोग माई म्यूजिक के ऑप्शन पर जाकर जहाँ कहीं भी आपका सॉन्ग रखा हो आप लोग अपना सॉन्ग ऐड कर लेना। देन यूज के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग एक बार राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आपका जो म्यूजिक है बहुत आसान तरीके से ऐड हो जाएगा। सो देख सकते हो गाइस, अब इतना हो जाने के बाद यहाँ से आप लोग को एक इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेना है। तो इफेक्ट वीडियो को सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है, तो प्लस के आइकन पर जाइए एंड यहाँ पर वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर जाइए। आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी, वीडियो के ऑप्शन पर ही रहना है आपको। अपनी गैलरी से इस वाले इफेक्ट वीडियो को आप लोग को ऐड कर लेना है। ये आपका VN ऐप के अंदर आ जाएगा, नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा फिल का, तो इस पर आप लोग क्लिक करना है। यहाँ से इसको फुल स्क्रीन में कर लेना। अब आपको नीचे साइड में थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग का दिखेगा, तो इस पर भी आप लोग क्लिक करना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे साइड में स्क्रॉल करके इसको स्क्रीन पर क्लिक करके राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपका ये देख सकते हो इफेक्ट वीडियो बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। एंड गाइस देख सकते हो आपका वीडियो भी कंप्लीट बन के रेडी हो गया है, जिस तरह का वीडियो आपने प्रीव्यू में देखा था। तो यहाँ से मैं एक बार वीडियो को प्ले करके आप लोग को और दिखा देता हूँ। अखिया था कल राह निहारत दिल के साथ पूरा जय तू माई हो तनिया जय तू माई हो तनिया जय। तो देख सकते हो गाइस कंप्लीट हमारी वीडियो बन के रेडी हो गई है। अब इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है, तो यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर ऊपर साइड में क्लिक कर देना एंड इसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाली वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना। देन वहां से आप लोग किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर इसको अपलोड कर देना। तो वीडियो कैसा लगा यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ आपसे किसी और एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।